निश्चित तौर पर आज बड़ी खुशी का दिन है। राजस्थान के अंदर मंत्रिमंडल आकार ले रहा है, लोगों की आकांक्षाओं को पूरी करने के लिए एक ऐसी टीम जो भजन लाल जी के नेतृत्व में राजस्थान में सुशासन लेकर आएगी, राजस्थान को उन राह पर ले चलेगी जिन संकल्पों के साथ हमने सत्ता संभाली है। राजस्थान के लोगों ने जनादेश दिया है, उस जनादेश को पूरा करने के लिए हमारी पूरी टीम, मंत्रिमंडल की पूरी टीम जो संतुलित होगी, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करेगी, अनुभवी और नव ऊर्जा से लवरेज लोग रहेंगे, अब थोड़े ही समय के बाद आपके सामने आएगा। आप भी मंत्री बनने जा रहे हैं राजेंद्र? मेरे पास कोई जानकारी नहीं, मैं चुनाव में पराजित व्यक्ति हूं, इसलिए मेरा कोई अधिकार भी नहीं, इसलिए मेरे पास कोई जानकारी नहीं, मैं तो शुभकामनाएं देने आया हूं। किस तरह का मंत्रिमंडल रहेगा, क्या सभी अभी मंत्रिमंडल मंत्रिमंडल की जानकारियां आप लोगों के पास स्ने पहुंच रही है, पहुंच जाएगी निश्चित तौर पर। जब इतने चिंतन और मंथन के बाद मंत्रिमंडल आया है तो अमृत ही अमृत देने वाला मंत्रिमंडल होगा। भजन लाल जी का के मंत्रिमंडल से जो भजन निकलेंगे उसमें सर्वांगीण विकास के आकाश एक साकार सपना साकार होने की ओर राजस्थान आगे बढ़ेगा। कहा जा रहा था कि वसुंधरा राजे जी मौजूद नहीं रहेंगी, वो अपनी पुत्र वधु के यहाँ जाकर संवेदना प्रकट करने जाएंगी, उनके बेटे के ससुर की डेथ हो गई थी। कि मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता, उनकी व्यक्तिगत, कई बार राजनीति में काम करने वाले नेताओं के भी व्यक्तिगत तौर पर, सामाजिक तौर पर अचानक इस प्रकार की बातें आ जाती है, इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। कितने मंत्रियों को इस मंत्रिमंडल, इसके बारे में बताने का अधिकार मेरे को नहीं, पर मैंने कहा ना मंत्रिमंडल अब जल्दी आप लोगों के सामने होगा, ऊपर से पीड़ा समाप्त हो चुकी है, बहुत धन्यवाद धन्यवाद। मोदी जी हैं तो मुमकिन है तो राठौर साहब मंत्री, मेरा कोई अधिकार नहीं, मेरा कोई अधिकार नहीं। भाई साहब आपका नाम भी काफी पार्टी जो काम करेगी वो काम करेंगे, पर मेरा कोई अधिकार नहीं। ठीक है साहब, धन्यवाद धन्यवाद साहब। ये ईटीवी रात।